जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक है। और टाइम कितना हो रहा है? 1:30 बज रहे हैं और 1:30 बजे हमारे हाथ में फोन आया है, क्योंकि सुबह से आज भी बहुत सारे काम हो गए थे। आप लोग गमले देखते थे ना, तो आज हमारे पति देव घर में थे, तो हम दोनों लोगों ने मिल करके गमले सही किया, पूरी उनकी छटाई की है, नीचे की मिट्टी हटाएं, दूसरी मिट्टी डालें, और सुबह से हम मशीन भी लगा लिए थे कपड़ों की, तो कपड़ों की भी धुलाई शुरू सुबह से लगी रही। और रात तो मैं 10:30 बजे पूजा करके खाली हुई। इसके बाद फटाफट बच्चों के लिए नाश्ता रेडी की, खाना सबके लिए बनाई, और यहाँ पे धूप ले रही हूँ। धूप बालकनी में आ रही ना किचन के पास, तो धूप ले रही हूँ क्योंकि मेरे बाल भी गीले हैं ना, तो थोड़ा सा धूप आज अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है। सो मुझे कहीं जाना भी है। सो पतिदेव सुबह से कह रहे हैं कि चलो चलते हैं, नहीं फिर कहोगी हमारी शॉपिंग नहीं हुई है। तो हमने कहा पहले आप खाना खा लीजिए, आज आपने भी काफ़ी मेहनत कर लिया, तो खाना खा के थोड़ा आराम कर लीजिए। वैसे उनको छुट्टियों में ना जब तक सो नहीं लेते ना, तब तक उनका माइंड फ्रेश नहीं होता है, तो मैंने कहा आप पहले थोड़ा सा आराम कर लीजिए। और आराम क्या, तब तक मैंने भी आज खाना खा लिया। कल ऐसा हुआ ना, मैं तो आप लोगों से बताई ही खाना नहीं खा पाई थी। सो मंदिर से आने के बाद ना यहाँ सब भैया लोग आ गए थे, तो फटाफट मैंने तुरंत खाना क्या, पहले मैंने आरती किया भगवान जी की घर की, और इसके बाद फिर हमने यहाँ का खाना पीना सबको खिलाना पिलाना कल 11:30 बजे तक में लगी रही। सो बहुत सारे काम हो गए थे और आज भी सुबह से इतने सारे काम हो गए, तो जिसका कोई नहीं है उसकी माता रानी है। सो दुर्गा की मम्मी आ गई थी, दुर्गा तो दुर्गा कपड़े पूरे छत में डाल दी, और दुर्गा की मम्मी हमारे बर्तन भी फिर मतलब साफ कर दी। सो काफ़ी हेल्प मिल गई दुर्गा की मम्मी से। सो ये होता है माता का चमत्कार। और वैसे तो मैंने अपनी डोर सिर्फ माता रानी को पकड़ा रखा है, मेरे जीवन की डोर माता रानी ही चलाती हैं। जैसे ही माता रानी का नाम लेती हूँ तो माता रानी सब पूरा कर देती हैं। सो आप लोग भी ऐसे ही कोई ना कोई भगवान पे विश्वास तो आप लोग भी रखते ही होंगे, माता रानी पे, भोले बाबा पे, तो चलिए अच्छी बात है। और देखिए हम तो प्रिया से मिलने गए थे ना, सो प्रिया से मिल करके आए, तो आज मैं आप लोगों से बता रही हूँ, अभी तक मैं नहीं बताई हूँ, तो कितने सारे कमेंट उल्टे सीधे आते रहे हैं कि आप लालच में गई हैं, आप कैसे गई हैं, आप ऑटो से गई हैं। सो ऐसी बात नहीं है, मैंने तो माँ को अपनी डोर पकड़ा के रखा है, माता रानी मेरे लिए सब कुछ हाजिर कर लेती हैं, लेकिन बोलने वालों की यहाँ कमी नहीं है ना। कोई बोलता है आप नानी दिखती हैं तो माँ दिखती हैं, चलिए उसका भी मुझे अफसोस नहीं है, जो भी आप लोग कमेंट में डालते हो अच्छा ही है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये कलयुग की दुनिया है और कलयुग में यहाँ बहुत से प्राणी ऐसे हैं ना जिनके लिए हम बता नहीं सकते हैं, तो हर एक प्राणी एक ही तरह का नहीं है ना। सो चलिए बातों पर मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं हमेशा खुश और सदाबहार वाली हूँ, वो तो माता रानी की कृपा है। सो मैं ऐसे सबको मतलब देखती हूँ, सबके कमेंट में व्यूज़ और लाइक सब्सक्राइब देखूँ या ना देखूँ, लेकिन कमेंट जरूर देखती हूँ कि कौन क्या बोलता है, मुझे कमेंट तो इसमें भी मुझे बुरा नहीं लगता है, जो जिसको बोलना है बोले। तो मैं तो प्रिया से मिलने गई तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि अरे लालच में गई, लालच क्या है, मैंने तो कभी लालच किया ही नहीं है, मेरे अंदर बिल्कुल लालच नहीं, मैं माता का चैनल डाली हूँ। सो माँ की कृपा है जो माता रानी इतना सब मेरा पूरा कर रही हैं, और माँ के ऊपर मैंने डाला। मुझे तो इसमें ये भी नहीं पता है कि यूट्यूबरों को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, जो यूट्यूब में है सो उनको क्या मिलता है, तो चलिए मेरे अपने ही हैं। किसी ने मुझे बहुत ही डराया कि वहाँ मत जाइए और आपके साथ ऐसे मतलब होगा, ऐसे वो कहेंगी, तो इसलिए मेरी खुद की अंदर की इच्छा थी, मेरी माता रानी खुद कह रही थी कि जाइए उससे मिल करके आइए, और वो भी एक माँ की ही मूर्त है। सो मैंने उसमें भी कहा, उसके जब चैनल मैंने जितने भी वीडियो थे मैंने डाला, तो मैंने भी कहा कि वाकई माँ की मूर्त है, मैं काफ़ी समय से उसका मतलब चैनल देखती थी प्रिया का, सो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, वो तो काफ़ी मुझसे छोटी है, सो मुझे भी पता है, आप लोग कमेंट में डाले हैं ना डालें, वो मुझको भी पता है कि वो मुझसे काफ़ी छोटी है, तो वैसे तो रिश्ते में मैं उसकी बुआ ही लग गई, वो मेरी भतीजी ही है। तो एक मैंने ये देखा है कि काफ़ी लोग मतलब कमेंट में डालने से पहले ये क्यों नहीं सोचते, जितने भी इंडियन यूट्यूबर हैं सब मेरे लिए बहुत ही प्यारे हैं, और सब मैं बहुत ही सबका सम्मान करती हूँ, सबको बहुत ही प्यार करती हूँ। सो आप लोग भी मेरे लिए अच्छे हो, जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, जो भी कुछ है मेरे चैनल को देखते हैं, सो आप लोग भी मेरे लिए बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन देखिए उसका मैं वीडियो डालने के बाद काफ़ी मुझे व्यूज़ तो काफ़ी आए, लेकिन किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, ये भी मुझे गम नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, जिसकी इच्छा हो करे, ना इच्छा हो तो माता रानी का चैनल है,
सो काफ़ी लोग बोले अरे प्रिया क्या भगवान है, मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि प्रिया भगवान है, मैं भगवान हूँ, लेकिन क्या जो मंदिर आप जाते हैं जो पत्थर के भगवान हैं वो भगवान ही है, ठीक है, लेकिन क्या वो भगवान भी एक हम लोगों जैसे इंसान ही थे? सतयुग में, सतयुग की बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ कि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न, सब वो हम ही लोगों जैसे प्राणी थे, तो क्या हम लोग चाहें तो क्या भगवान नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी सोच, कहीं कहीं लोगों की सोच इतनी गंदी है इस कलयुग में, इस महामारी में, अभी भी नहीं दुनिया समझ रही है कि हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे कैसे सोच करके, कैसे हर प्राणी के लिए हमको कैसी अपनी भावना कैसे प्रकट करना चाहिए। सो हम लोग भी भगवान, हम भी माता रानी बन सकते हैं, बस अपनी अपनी हम लोगों को सोच चेंज करना पड़ेगा। ऐसी गंदी सोच, घिनौनी सोच मत रखिए, और इसमें पूजा आप करिए ना करिए, पूजा का कोई नहीं है, लेकिन आप अपने मन में ये सिर्फ रख लीजिए कि हमको किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखना है। वैसे तो मैं बहुत सारे ऐसे चैनल में आप लोगों से बताई हूँ, सो मुझे भी धूप में अच्छा लगता है तो थोड़ी सी आप लोगों से बातें ही कर लेती हूँ। तो ईर्ष्या मत रखिए किसी के प्रति, किसी के प्रति ईर्ष्या और ये कि हाय लगाना, हाय उसके इतना हाय हमारे पास नहीं, ऐसे मत करिए। ऐसे तो बहुत से चैनल हैं आप लोग देखते होंगे कि लोग खाना खजाना और भजन कीर्तन, सो मुझे भजन कीर्तन का शौक है तो मैं आप लोगों से बताती ही हूँ। खाना खजाना का मुझे ज़्यादा कोई वो नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, अगर आप लोग कमेंट में डालोगे तो सो भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ईर्ष्या वाले लोग नहीं पसंद है। कोई किसी के लिए करे या ना करे, लेकिन किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखिए। हम बहनें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखेंगे, हम अब बहनें एक दूसरे के लिए गलत कमेंट डालेंगे, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे, माता रानी अपने किसी न किसी भगवान को तो आप लोग भी मानते होंगे, माता रानी को है, राम जी को, बजरंग बली को, सो उन पर विश्वास रखिए। और मैं तो अपनी डोर माँ को पकड़ा रखी हूँ, माँ मेरा हमेशा सुख दुख में मेरा माँ साथ देती हैं, सो आप लोगों का भी कहीं ना कहीं माता रानी साथ देती होंगी। सो मैं इसीलिए प्रिया को, मतलब काफ़ी समय से मैं उसका चैनल देखती रही, तो मुझे लगा कि कोई तो मुझे कह रहा है कि मत जाइए, लेकिन मुझे जाना है उस देवी की, मुझे दर्शन करना है। वाकई ही प्रिया बहुत ही अच्छी लड़की है, इतने लोगों को गले लगाना, उसी भाव से, उसी प्रेम से सबसे मिली। तो कोई कहता लालच में गई, कमेंट में डाल दिया कि लालच में गई, तो मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, ये तो माँ का चैनल है। कोई लाइक सब्सक्राइब करेगा तो माँ के लिए करेगा, माँ के अकाउंट के लिए करेगा, और इसमें मुझे कुछ नहीं पाना है। मैं किसी की तरह नहीं हूँ कि मुझे लालच कि मैं आगे मुझे कैसे क्या, जो भी है भजन कीर्तन, कोई देखे या ना देखे, जो भी आप लोग मेरे प्यारे प्यारे व्यूज हैं वही देख लेते हैं, मेरे लिए काफ़ी है। सो आप जितना इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब लाइक कराएंगे, सो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो वो देवी का रूप है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि भगवान भी ऐसे ही थे हम ही लोगों जैसे। गलत मत सोचिए, गलत, मैंने तो अपने आप को त्याग दिया हर एक चीज़ों के लिए कि मुझे न किसी का गलत देखना है, न गलत सुनना है, न गलत करना है। सो इसीलिए मैं कमेंट आप लोगों को देखती रहती हूँ, व्यूज लाइक नहीं देखती हूँ, लेकिन कमेंट जरूर देखती हूँ कि आप लोगों ने कैसे कमेंट, तो किसी के लिए भी हो ऐसे कमेंट आप लोग मत डालिए। और चलिए माता रानी की कृपा आप लोगों पे बरसती रहे, आप खुश रहें हमेशा, आपका परिवार खुश रहे, और आज हमारे पति देव भी बहुत खुश हैं कि जिस कह रहे हैं कि चलो अपने लिए जो भी शॉपिंग करना है सो कर लो, तो चलती हूँ। वैसे भी हमारे पति देव भोले भंडारी हैं, मतलब उनका कहना है कि मुझे चैनल में मत लाओ, आपको अगर शौक़ है गाना बजाना सब करने का तो आप अपना खुद करिए, लेकिन हमको चैनल पर मत लाइए। इसीलिए हमने पहले शुरू में थोड़ा बहुत आप लोगों से मिलवा दिया, लेकिन जब उनको ज़्यादा शौक़ नहीं है तो हम लाते भी नहीं अपने चैनल में, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी परिवार सब बहुत ही अच्छा, आप लोग तो जानते ही हैं, इसलिए हमेशा सबके प्रति अच्छे भाव रखिए। सो माता रानी हमेशा आपकी रक्षा करेंगी, आपके परिवार की रक्षा करेंगी, और इस कलयुग महामारी से हमको और अपने पूरे परिवार को और अपने देश को बचाना है। सो हर प्रकार से भगवान पे आप समर्पण हो जाइए, पूजा ना करिए, मंदिर ना जाइए, लेकिन सबके प्रति अच्छे भाव रखिए। सो मेरा कहना यही है कि प्रिया बहुत ही अच्छी लड़की है, और जिन लोगों का सहयोग कर रही है, मेरा कोई चैनल देखे या ना देखे, लेकिन जिनका कर रहे, जिनका चैनल आगे बढ़ रहा है, माता रानी उनको हमेशा खुश रखें, खुशहाल रखें। और मेरा काम तो है बस हिम्मत देना, मैंने तो जीवन में अपने इतने सारे कष्ट कि उन कष्टों को मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती हूँ। सो माता रानी के प्रत्यक्ष दर्शन
तो वो भी नहीं मैं शेयर कर सकती हूँ कि मुझे माता रानी कैसे देखी। और आज भी मैं किसी चीज़ के लिए अगर मान लेती हूँ, सोच लेती हूँ, सो माँ मेरा पूरा पूरा कर देती है, तुरंत पूरा कर देती हूँ, उसमें ज़रा सा भी देर नहीं लगती है। सो आप लोगों के लिए इसीलिए मैं भजन कीर्तन और हर जगह जहाँ जहाँ मंदिर जाती हूँ आप लोगों को दर्शन कराती रहती हूँ। सो आप लोग भी करते रहते, और चलिए जो भी शॉपिंग से लाऊँगी सो आप लोगों तक शेयर करूँगी। वैसे तो मुझे ज़्यादा ये दिखावटीपन और सब करने की ज़्यादा कोई वो नहीं पड़ती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं हर एक चीज़ दिखाती रहूँ। सो माँ का दिया है, आज किसी चीज़ की ऐसी कमी नहीं है मुझे लगती कि जो मेरे पास ना हो। पहले तो मेरी कुछ भी नहीं था, अब माँ ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। और कभी कभी लोग जो ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान को हमेशा दोष देते हैं, माता रानी को हमेशा दोष देते हैं कि अरे माता रानी ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, हमने इतने पूजा पाठ किया, तो भगवान क्या करें, मंदिर के भगवान क्या बोलते हैं। अरे अपने अंदर का सब कुछ अच्छा, अच्छी सोच रखिए, हर एक प्राणी को अच्छी सोच पे देखिए, हर एक प्राणी को अच्छी नज़र से देखिए। चलिए मैं थोड़ा सा खाना तो खा ली हूँ लेकिन अभी भी जुबान थोड़ा लटखड़ा रही है। तो काफ़ी आज आप लोगों से मेरी काफ़ी बातें हो गई, इसलिए किसी को गलत मत बोलिए, गलत मत सोचिए। सो माता रानी आपकी भी रक्षा करेंगी, पूरे परिवार की रक्षा करेंगी, और हम तो माता रानी के सहारे चलते हैं। सो हर एक प्राणी भगवान की उसमें है, और इस कलयुग महामारी को हमको दूर भगाना है। देखिए कलयुग महामारी आई तो हमारा चैनल भी आया है, और आप लोग जो भी हो चलिए अब बार बार मैं नहीं कहूँगी आप लोगों से, नहीं आप लोग कहोगे उसी बात को कई बार ये रिपीट करती है, तो ये माता रानी का चैनल है और श्री सिद्धार्थी माता और महामाया मैया हमारे बिल्कुल साथ में रहती हैं। तो भोले बाबा तो ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं, जब माता रानी खुश रहती है ना तो भोले बाबा अपने आप खुश हो जाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं, जाती हूँ शॉपिंग के लिए, और वो लगता है जग भी गए तो आवाज़ भी कर रहे हैं, तो चलिए बाद में जो भी शॉपिंग करके आती हूँ लाती हूँ सो आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। अभी हम लोग किचन में आए तो देखें कि यहाँ लड्डू रखे हुए हैं, वो भी देसी घी के लड्डू, और कल भैया लोग आए थे ना तो बहुत सारे लड्डू लेके आए थे, 5-6 किलो लड्डू। तो मुझे जल्दी भी है मार्केट भी जाना, सो तो मैंने आप लोगों से बताया ही। इधर मनु लगे हुए हैं गजक का डिब्बा खोलने में, इनको लड्डू नहीं मेरे यहाँ के पसंद है, सो ये देखिए गजक का डिब्बा खोले पड़े हुए हैं। अब चल रही हूँ क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो प्रसाद खा के जाती हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता है कि हर जगह मंदिर का प्रसाद हर जगह का यहाँ रखा रहता है, सो मुझे प्रसाद की कमी नहीं रहती। और ये देसी के लड्डू ना बजरंगबली में सवा मन के लड्डू है मेरे यहाँ चढ़े थे, सो हमेशा चढ़ते रहते हैं क्योंकि मायके की फैमिली इतनी है, सो जो भी मानता होती है बजरंगबली में देसी घी के लड्डू चढ़ते हैं। और सो मैं अब खा के जा रहे हैं, आप लोग भी खाइए, वाकई बहुत टेस्टी है। चलिए बाहर मिलती हूँ, खड़े हुए बाहर। शॉपिंग तो मैंने दिखा दिया जो भी हम लेके आए हैं, सो आप लोगों को शेयर कर दी। अब चलती हूँ फटाफट चाय बनाती हूँ, और बच्चों के लिए कुछ नाश्ता लेके आई हूँ तो बच्चों को खिलाती पिलाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब बहुत सारे अभी बैग भी निकालना पड़ेगा, अभी कैसे सामान रखा जाएगा कुछ समझ में नहीं, क्योंकि ठंडी के कपड़े हैं ना तो 4-5 बैग तो हो ही जाना है। सो जो मैंने अभी सुबह आप लोगों से कह दिया कि मेरे अपनों ने, किसी ने कहा था कि प्रिया के जब मिलने जाना तो क्या कैसे, सो मेरे अपनों ने नहीं कहा था, यहाँ कहने वालों की कमी नहीं है। सो मेरी नानी की कहावत मुझे याद आ गई, मेरी नानी कहती थी हड़िया में परे ही रखे इंसान के मुंह में क्या रख सकते हो। सो ये दुनिया संसार है, बहुत से ऐसे विचित्र प्राणी हैं, सो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, चलिए हमें उन बातों का ध्यान नहीं देना है, सो हमेशा खुश रहना है और आप लोगों को हिम्मत देना है। तो आप लोग मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज हैं जो भी मेरा चैनल देखते हैं, सो माँ का चैनल है, माता रानी का चैनल है, और ये सब कपड़े माता रानी के लहंगे, सो मैंने आप लोगों से बताया माता रानी के लहंगे सब आ गए हैं। तो चलिए अब बच्चों को नाश्ता कराती हूँ, अब कल का भी तो बहुत सारा काम है, कल इनकी ब्लाउजें भी जो सिल गई होंगी लाना होगा। कभी कभी ऐसा होता है ब्लाउज सिलने के लिए दे दीजिए और कंप्लीट करके वो पूरी तरह से नहीं देती हैं। और माता रानी के मुझे कैलेंडर भी लाना है, सो वो भी बहुत बड़ा काम है क्योंकि मात्र एक दिन का टाइम बचा है। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और फटाफट अभी बहुत सारे काम, और अभी मुझे सुंदरकांड भी कहना, मैं सुबह नहीं कह पाई थी, सुबह इतने सारे काम हो गए थे, तो अभी मुझे सुंदरकांड का पाठ भी करना है और बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो चलिए अब यहीं पे वीडियो का हम एंड कर रहे हैं, अगर सब कुछ अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये माँ की कृपा है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की। एंड
टनाटन, जय माता की। और माता जी को तो लहंगा बहुत ही पसंद है, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी शॉपिंग हमारी हो जाएगी। सो देख रहे हैं, ये एक लहंगा ये है, एक लहंगा ये है, और बहुत सारी साड़ियां हैं। सो आप देख सकते हैं, देखिए। और ज़्यादा मुझे दिखाना तो नहीं पसंद है, लेकिन आप लोगों कहोगे कि शादी की शॉपिंग क्या की है, तो थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। और सो जो भी लेकर के आए, और बच्चों के कपड़े हैं, सो ये देख सकते हैं कितने सारे बच्चों के कपड़े। वैसे तो सब और बहुत सारे कपड़े बैग में पैक हो गए हैं, लेकिन जो भी कुछ है थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। सो मेरे लहंगे ना पहले से भी दो लहंगे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, लहंगे और साड़ी तो हमेशा कमी ही रहती हम लोगों को। सो माँ की कृपा है। और देखिए, हमने सोचा भी नहीं था, वाह। और पिछले शनिवार को बताया ना, और इस शनिवार को हमारी ब्लैक साड़ी भी आ गई। सो शनि देवता, शनि भगवान की कृपा है। और अभी ये पूरा सामान ऐसे कैसे फैला हुआ। और ये साड़ी की शॉप है जो मैं, जहाँ से हम लोग साड़ी लाते हैं। सो आप देख सकते हैं, अब हम आए हैं शॉपिंग करके, तो इतनी ट्रैफिक की बता नहीं सकती हूँ। और टाइम 5:30 बज रहे हैं, बताइए, 2:30 बजे की निकली और 5:30 बज रहे हैं, तो काफ़ी इतनी भीड़ की बता नहीं सकती आप लोगों से। सो अब जो मैं लेके आई हूँ, और आप लोगों से सच्चाई बता दूँ, पिछले सैटरडे को ही हम और हमारे पतिदेव दोनों लोग गए थे। सो लहंगा बुक कर दिए थे, मतलब सिलाई के लिए दे आए थे। सो आज मिलना था, तो मैं बताने का बिल्कुल आप लोगों से मेरा टाइम ही नहीं मिला था। सो मैं आज आप लोगों से बता रही हूँ और दिखा रही हूँ। बच्चों के वैसे बहुत सारे कपड़े मैं बैग में पैक कर दी हूँ, क्योंकि मात्र एक ही दिन बचा है मुझे यहाँ से निकलने में, और फटाफट मुझे बहुत सारी अभी पैकिंग करना है। और जो सुबह कपड़े धुल के डाली थी ना, उनको भी अभी ऊपर छत में लेने जाना है, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं है। सो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वैसे तो पूरी तरह नहीं दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी दिखा देती हूँ कि आप, मैं शॉपिंग करके लाई हूँ।